हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं आप सबके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ब्लैक करंट केक। इसे मेरी बेटी ने मदर्स डे स्पेशल बनाया था। सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें पाउडर शुगर मिक्स करेंगे। ये एक कप पाउडर शुगर है, अच्छे से मिक्स करिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और अच्छे से मिलाइएगा जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब इसमें एक कप छना हुआ मैदा डाल देंगे। मैदा को ज़रूर छान लीजिएगा और अच्छे से मिला दीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके अच्छे से मिलाते जाइएगा कि गुल्थियाँ इसमें बिल्कुल भी ना रहें, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए जब भी आप केक का बैटर बनाएं तो एक ही डायरेक्शन में फेंटें। अब इसमें 2 चम्मच भर के होममेड ब्लैक करंट क्रश डालेंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अच्छे से मिलाइएगा कि बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अब 1 चम्मच ब्लैक करंट क्रश और डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब एक आप बर्तन लीजिएगा, उसमें बटर पेपर लगा के ग्रीस कर दीजिएगा और ये केक का बैटर डाल दीजिएगा। अच्छे से टैप करिए। माइक्रोवेव में इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करिएगा लगभग 30 से 40 मिनट तक। इसे आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। केक बनकर तैयार हो गया है। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। पहले नाइफ से किनारे को लूज करिएगा। अब इसके ऊपर रेडीमेड ब्लैक करंट क्रश डाल रहे हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक करंट केक बनकर तैयार हो गया है। अब इसे आप गार्निशिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से या फ्रूट से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।